नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनवायरमेंट का जो यूनिट नंबर हो जाएगा, यूनिट नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, इससे पहले जो यूनिट हमारी हो जाती है, ठीक है, जो यूनिट हमारी हो जाती है 4, वो हमने क्या कर रखी है भाई, कवर कर रखी है। ठीक है, 4 यूनिट कवर कर ली है। अब हम बढ़ने वाले हैं किसकी ओर, 5 यूनिट की ओर बढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो वह नहीं देखी है तो बिल्कुल हमारी साइट www.paperhacker.in पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा है, तो वहां से भी हम जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है पर्यावरणीय संरक्षण जो एक्ट हो जाता है 1986, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको डेट भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो हुआ था कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और विभिन्न प्रकार के संगठन एवं संस्था देखने को आपको यहां पर मिलने वाली है। और बाद में देखते हैं विभिन्न, फर्स्ट रखा है जैसे कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, निर्देश के बारे में और इसकी भूमिका के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तथा सेकंड वाला हो जाता है सामाजिक पर्यावरण HIV के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, और तंबाकू, कैंसर, स्थिति तथा पर्यावरण इत्यादि के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है। तो बताना है जो कार्बेट राष्ट्र उद्यान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, जो कहां पर है, यूके में है। तो पूछ रखा है कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसके मध्य में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है, मैं आपको बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं जो सहायक नदी बहती है मध्य में जिम कार्बेट नेशनल के बीच में बहती है, कौन सी, रामगंगा। कौन सी भाई, रामगंगा बहती है। इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, रामगंगा बहती तो है कहां से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, ये अपना यूके में स्थित है। कहां पर, अभी यूके में स्थित है। अब ये रामगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि जो राष्ट्र, जो रामगंगा नदी है वो गंगा में कहां पर जाके मिलती है। तो ये कहां मिलती है भाई, कन्नौज में मिलती है। कहां पर, कन्नौज में मिलती है गंगा से। और ये गंगा आगे बढ़ती रहती है ना। अब गंगा अब यहाँ पर आए, गंगा के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही गंगा आगे बढ़ती रहती है, जैसे ही पहुँचती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश मान लेते हैं, गंगा कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश में। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं भाई, पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में। ये हमारा भारत हो जाता है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये यहाँ पर चाइना है, ये कौन है, चीन है। चीन में गंगा को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई, सॉरी, ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। और जैसे ही सांगपो भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में सांगपो को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र कहाँ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। क्या, जमुना के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये दोनों की दोनों नदियाँ होती हैं, गंगा और जमुना, पद्मा और जमुना जिसे कह सकते हैं, जब मिलती हैं तो ये आगे चल के एक नदी का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, तब एक नदी का निर्माण करती हैं, इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये मेघना समुद्र में जाकर क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का, किसका, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो रहने वाला है रामगंगा। ठीक है, तो हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और रामगंगा के बारे में यहां पर कुछ क्वेश्चन देखे जो हमारे यहां से क्वेश्चन बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है कि राजहंस का प्रजनन स्थल, जो राजहंस वगैरह होते हैं, हंस का देखा है सीधे की सीधे, ठीक है, हंसवर जो हंसावर होता है, भारत में कहां है इसका प्रजनन स्थल, जहां पर यह जनन करते हैं। तो आपको बताना है, चिल्का झील, भरतपुर, पक्षी अभ्यारण्य, या फिर सांबर झील, रण एवं कच्छ, रण ऑफ कच्छ। तो राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, राजहंस का प्रजनन स्थल या फिर हंसावर भारत में कहां स्थित है। तो यह हो जाता है रण ऑफ कच्छ में। कहां पर, गुजरात में। कहां पर भाई, यह हो जाता है अपने गुजरात में। ठीक है, रण ऑफ कच्छ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हंस वगैरह होते हैं वो कहां प्रजनन करते हैं, कच्छ के रण में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है, यहां क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाथी गर्म एवं आर्द्र जंगलों में पाए जाते हैं। तो हाथी कहां पाए जाते हैं आपसे पूछ रखा है, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, झारखंड में, असम, कर्नाटक में। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है हाथी क्या करते हैं भाई, आपको पता है सर्कस में आते हैं ना, बिल्कुल ट्रिक के अनुसार कराऊंगा ये मैं आपके लिए। तो ये रखा है हाथी गर्म और आर्द्र जंगलों में पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल कौन सा होगा, ये अपना हो जाता है भाई भारत। ये क्या हो गया भाई, अपना भारत हो जाता है। ये क्या हो गया, अपना सूर्य निकल आता है भाई। ये क्या होता है, सूर्य निकल आता है, और इस साइड में क्या होती है, धूप जल्दी पड़ेगी, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, गर्म स्थल हो जाएंगे। तो यहां रखा है तुम्हारा गर्म, गर्म वाला कौन सा हो जाएगा, गर्म साइड में कौन सा पता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, या फिर राजस्थान, गुजरात, असम, कर्नाटक। तो आपको पता है पूर्व में कौन पता है, असम। तो यहां कौन पड़ गया भाई, अपना असम हो गया, एक तो असम बन गया। उसके बाद करते हैं कौन सा हो जाएगा, फिर कह रहा है आद्र, आद्र कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भाई, डी हो जाएगा। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि हाथी जो होते हैं असम, मतलब बहुत ही अच्छा सर्कस वगैरह में प्रोफेशन करते हैं ना, मतलब सर्कस दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, और नाटक करते हैं ना, और कैसे करते हैं, अच्छा नाटक करते हैं ना, हाथी वगैरह होते हैं सर्कस में, कैसा करते हैं, असम, और अच्छा नाटक करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखा है भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्रशिक्षण, सॉरी ये अटपटा रही है थोड़ी सी, जीभ छाला पड़ गया इसलिए देखा तो रही, ठीक कोई बात नहीं। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई, यहां कह रहा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भारत में, मैं आपको बताना है 1995, 1994, 1993, 1992। राइट आंसर भी क्या होगा, अब बिल्कुल याद कैसे करेंगे भाई, चिड़िया कहां बैठती है, चिड़िया बैठती है पेड़ पर, चिड़िया बैठती है पेड़ पर, और बहुत सारे पेड़ मिलकर क्या बनाते हैं भाई, वन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, वन बनाते हैं। तो बानवे आपको यहीं देखने को मिलेगा, बान, बानबे, बान यहां देखने को मिला, मतलब बन देखने को मिला है ना, बिल्कुल आराम से याद रहेगा कि भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1992 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र उद्यान चमोली में विकसित किया गया है, तो चमोली में कौन सा है यह आपको बताना है, चमोली में कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बता दो राइट आंसर क्या होगा। चमोली पड़ती कहां है ये बता दीजिएगा, चमोली पड़ती है अपने यूके में, कहां पर भाई, उत्तराखंड में पड़ती है चमोली, ठीक है। अब चमोली में कौन सा है, मतलब यूके में कौन सा है, मैं आपको बताना है, दुधवा नेशनल पार्क को जाता है, या फिर ग्रेट हिमालयन पार्क को जाता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क को जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क को जाता है। राइट आंसर क्या होगा, दुधवा हो जाता है अपना यूपी में, लखीमपुर खीरी में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां हो जाएगा, ये अपना यूके में हो जाएगा, है ना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे, यूके में, मगर चमोली में नहीं है। तो यहां पे तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कहां पर है, चमोली में स्थित है, यूके में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में गोल्ड, भारत में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। थोड़ी जीभ दिक्कत कर रही भाई, ठीक है मैनेज कर लेना। बात करते हैं भारत में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है, तो यहाँ कोल्ड मतलब बहुत ही ठंडा, मतलब बहुत ही ठंडा, है ना, ठंडा की बात कर रहा है बिल्कुल। तो बात करते हैं ठंडा क्या है अभी, ठंडा है क्या, नाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ठंडा। उत्तराखंड की बात करते हैं ठंडा है, जम्मू कश्मीर ठंडा है, सिक्किम ठंडा है, या हिमाचल प्रदेश ठंडा है। तो आपको पता चलेगा कि भी हिमालय, हिमालय क्या है, बहुत ठंडा स्थान है ना। तो हिमालय, यहां पर हिमालय देखने को मिल जाएगा, हिमाचल में हिमालय, ठीक है। बिल्कुल याद रहेगा आपको कि भारत में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क क्वेश्चन बन सकता है, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है, तो हिमाचल में है भी, ध्यान रखना। और फिर देखा है मिजोरम में जो देखा है तुम्हारा फांबग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो मिजोरम में स्थित है, मेघालय में देखा है तुम्हारा नोक्रेन नेशनल पार्क, मणिपुर में दे रखा है तुम्हारा केई बुलामजाओ नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या होगा भाई, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, कौन सा है,
हिमाचल प्रदेश का पिन वैली है, देखो याद आराम से रखना है आपके लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पिन वैली नेशनल पार्क, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। फिर पूछ सकता है कि जो अपना हो जाता है फाबंग पुल, फाबंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मिजोरम में है। उसके बाद मेघालय में कौन सा है, नोक्रेन नेशनल पार्क हो जाएगा मेघालय में। मणिपुर में हो जाएगा तुम्हारा कई बुलामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मणिपुर में। और तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रधन कौन सा हो जाता है, मणिपुर का हो जाता है, जो हो जाता है कई बुलामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा, कई बुलामजाओ नेशनल पार्क, राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। मणिपुर आप याद करना कि मणि होती है ना, मणि क्या हो गई भाई, तैरती रहती है ना, ज़्यादा भारी नहीं होती, मणि तैरती रहती है किस पर, पानी पर। तो बिल्कुल आप याद रखोगे कि मणिपुर में जो हो जाएगा कई गुलाम जाओ नेशनल पार्क जो हो जाएगा वही हमारा हो जाएगा तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, कोचीन, मैसूर, इंदौर या फिर तिरुचिरापल्ली, राइट आंसर क्या होगा भाई, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। अगर बात करते हैं गंदा शहर कौन सा, तो हो जाएगा कानपुर। गंदा शहर की बात करते हैं तो हो जाएगा अपना यूपी का कानपुर। और क्या भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। कहाँ का, मध्य प्रदेश का हो जाएगा अपना इंदौर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट बताते हैं सरिस्का राष्ट्रधान है, जो सरिस्का राष्ट्रधान है वो कहाँ पर है, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सरिस्का राष्ट्रधान कहाँ पर है, तो सरिस्का राष्ट्रधान है वो कहां पर है, भी राजस्थान में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साड़ी पच्ची बिहार स्थित है, जो साड़ी पच्ची बिहार है वो कहां स्थित है आपको बताना है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में या फिर उत्तराखंड में, राइट आंसर क्या होगा, साड़ी पच्ची बिहार कहां स्थित है, मिर्जापुर, पंजाब, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। तो साड़ी की बात करते हैं, साड़ी पच्ची बिहार जो स्थित है वो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है तुम्हारा कुमारकोम पच्ची बिहार है, जो कुमारकोम पच्ची बिहार है वह कहाँ पर है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में, राइट आंसर क्या होगा, कुमारकोम, ध्यान रखना कुमारकोम पच्ची बिहार कहाँ पर है, कुमारकोम पच्ची बिहार कहां पर है, ये अपना हो जाएगा केरल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कासे कुमार कासे केरल, याद रखना ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है अपना कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा हो जाएगा, रथ एक टॉफी है ना, रथ एक टॉफी, तो यहां कौन सा जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए, थायमिन हो जाएगा विटामिन बी, एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी, और यहां पर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा अपना विटामिन डी। यहां देखो देखा है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, तो आंखों के लिए कौन सा होता है भाई, विटामिन ए होता है, रेटिनॉल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोकोफेरॉल और ये फी से क्या होता है, इसको कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा। लखनऊ स्थित शोध संस्थान है, लखनऊ में स्थित शोध संस्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है एनवीआरआई, सीडीआरआई या फिर आईटीआरसी, ये सभी। तो यहां बात करते हैं एनबीआरआई, नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये भी कहां पर है आपको बताना है। और सीडीआरआई जो है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद है आईटीआरसी, कौन सा है, आईटीआरसी, इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी काउंसिल। ये सारे के सारे कहां पर हैं, या फिर ये सभी, लखनऊ स्थित शोध संस्थान कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से NBRI नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है, अपना लखनऊ में स्थित है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां हो जाएगा, अपना लखनऊ में हो जाएगा। ITRC इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी काउंसिल, ये भी कहां हो जाएगा, अपना लखनऊ में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, ये सारे के सारे कहां पर हैं भाई, ये अपने लखनऊ में स्थित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे यूनिट नंबर 5 से, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईपीए निम्न का संक्षिप्त रूप है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण अधिनियम, पारिस्थितिकीय संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण परीक्षण अधिनियम, राइट आंसर क्या होगा, परिरक्षण अधिनियम।
बिल्कुल, ईपीए, ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट निम्न का संक्षिप्त रूप है, कौन सा है ये आपको फटाफट कमेंट में बताना है आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण अधिनियम कहेंगे, पारिस्थितिकीय परिरक्षण अधिनियम कहेंगे, पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर दे रहे हैं ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये हो जाएगा पर्यावरण, एनवायरमेंट पर्यावरण, प्रोटेक्शन संरक्षण करना, और एक्ट मतलब अधिनियम, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है, भारत में जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो कहाँ स्थापित है आपको बताना है, अहमदाबाद में, चेन्नई में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है तो ये अपना हो जाएगा कहां पर, नागपुर में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वन संरक्षण कानून लागू हुआ, वन संरक्षण कानून लागू कब हुआ था, वनों का संरक्षण करना, बचाव करना, ये कानून कब लागू हुआ था फटाफट कमेंट करना है भाई। पहला दे रखा है 1952, 1980, 1988, 1974, राइट आंसर भी कौन सा होगा, सभी लोग फटाफट खेला खेलिएगा। वन संरक्षण कानून लागू हुआ कब हुआ था, यह हुआ था 1980 में, कब हुआ था भाई, 1980 में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसे पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु मैगसेस पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन हो चुका है रिपीट, अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को देखना है, किसे पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु मैगसेस पुरस्कार दिया गया था, तो वह कौन हो जाता है, राजेंद्र सिंह, जमुना लाल बजाज, अन्ना हजारे, इल्ला भट्ट, राइट आंसर क्या होगा, किसे पारस्परिक जल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु मैगसेस पुरस्कार दिया गया था। जल की बात करते हैं तो इंद्र आ जाएंगे, राजेंद्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र यहां पर छुपा हुआ आपको देखने को मिलने वाला है राजेंद्र के अंदर, ट्रिक बन जाती है, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है असुरक्षित यौन संपर्क संचारी रोग कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है, पोलियो, एड्स, कैंसर, यह सभी बताइएगा। असुरक्षित यौन संपर्क संचारी रोग कौन सा हो जाएगा, पोलियो बिल्कुल नहीं, ना ही कैंसर, ना ही तीनों होंगे, राइट आंसर हो जाएगा अपना एड्स, एचआईवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, किस नगर में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है, तो तेल शोधक संयंत्र कहां स्थापित है, मथुरा, आगरा, वाराणसी, कानपुर, राइट आंसर क्या होगा भी, किस नगर में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है, तो तेल शोधक संयंत्र स्थापित कहां पर है वह आपको बताना है, तो यह अपना कहां हो जाएगा भाई, आपने पढ़ लिया सारे के सारे, लगा दिया होगा है ना, टिक हो जाएगा भाई, मथुरा, तेल शोधन कारखाना कहां हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेला खेलिएगा, राइट आंसर क्या होगा, दे रखा है विटामिन सी की कमी से रोग होता है, स्कर्वी, बेरीबेरी, पीलिया या फिर अंधापन, राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी की कमी से रोग होता है, तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 7 अक्टूबर, झंडा दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है यहां पर 7 नवंबर को, कब मनाया जाता है भाई, 7 नवंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, झंडा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक विज्ञान, डेमोग्राफी, यूजेनिक्स या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी, राइट आंसर क्या होगा, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, अब तक आपने कमेंट में लगा दिया होगा है ना, बिल्कुल, तो राइट आंसर होगा डेमोग्राफी, क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा डेमोग्राफी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां देखा है देखो सीएसआईआर का मुख्यालय कहां पर है, सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिकल एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च, इसका मुख्यालय आपको बताना है कहां पर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट, रुकिएगा, इंडस्ट्रियल होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल होगा यहां पर, आई से इंडस्ट्रियल, देखो यहां पर हो जाएगा काउंसिल
ऑफ साइंटिफिकल एंड इंस्टीट्यूट नहीं इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहां पर आपको बताना है इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर। राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो सीएसआईआर का मुख्यालय जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा भाई दिल्ली में। कहां रहने वाला है, दिल्ली में रहने वाला है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का मुख्यालय कहां पर, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है एड्स का संक्रमण रोग है, एड्स जो है वह किससे फैलता है आपको बताना है, लैंगिक संचरण द्वारा, रक्त संचरण द्वारा, मातृभर संचरण द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपको पता है जो एड्स है वो संक्रमित रोग हो जाता है, लैंगिक संचरण के द्वारा फैलता है, रक्त संचरण के द्वारा फैलता है, मातृभर संचरण के द्वारा भी और उपयुक्त सभी के द्वारा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में, नागपुर में, लखनऊ में, भोपाल में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको सिर्फ बताना है। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो जाता है, ये अपना स्थित हो जाएगा लखनऊ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रखा है राष्ट्रीय शर्करा शोध संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय शर्करा शोध संस्थान कहां स्थित है, कानपुर में, लखनऊ में, बेंगलोर में, दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा, शर्करा की यहां पर बात हो रही है। राष्ट्रीय शर्करा शोध संस्थान स्थित कहां पे हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम NEPA कब पारित हुआ, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब पारित हुआ था, सन 1970, सन 1954, सन 1969, सन 1974। राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में। कब हुआ था भाई, 1969 में पारित हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लिंग अनुपात कितना है, फटाफट कमेंट करो भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है वो कितना है, वो हो जाता है 930 1000 पर, 1000 लड़कियों पर कितना है भाई, 930 पुरुष हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 930 1000 पर, कितने, 930 1000 पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइगर नामक प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, रिपीट क्वेश्चन है, टाइगर नामक प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1984, 1974, 1973, 1988। टाइगर नामक प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1973 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है, शरीर का ताप नियंत्रण, रक्तदाब नियंत्रण, शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, पाचन क्रिया में मदद करना। राइट आंसर क्या होगा, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, फटाफट कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो लोग आंसर दें ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना बिल्कुल राइट रहने वाला है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देखा है भारत की आत्मकथा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है, जयप्रकाश नारायण का, विनोबा भावे का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। राइट आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है, ये जो कथन हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी का। किसका कथन रहने वाला है भाई, महात्मा गांधी का रहने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंसुलिन नियंत्रित करता है ब्लड प्रेशर, रक्त लवण, रक्त शर्करा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर क्या होगा, जो अपनी होती हैं पैनक्रियाज की, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनसे इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स स्थापित होता है जो क्या करता है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, क्या कर, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त शर्करा के लिए नियंत्रित करता है, ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा, HIV एड्स रोग नहीं फैलता, जो HIV एड्स रोग है वह कैसे नहीं फैलता आपको बताना है। HIV के संक्रमित रक्त से, बिना उंगली सुई के प्रयोग से,
बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, असुरक्षित यौन संबंध से। तो यहाँ रखा है HIV एड्स रोग नहीं फैलता, किससे नहीं फैलता है, HIV की संक्रमित रक्त से बिल्कुल फैलेगा, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से बिल्कुल फैलेगा, असुरक्षित यौन संबंध से फैलेगा, सिर्फ मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो HIV एड्स रोग नहीं फैलता किसके, मच्छर के काटने से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखा है सुंदरलाल बहुगोड़ा संबंधित है किससे, राजनीति से, फिल्मों से, कला से, पर्यावरण से। राइट आंसर क्या होगा, सुंदरलाल बहुगोड़ा संबंधित है किससे संबंधित है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो सुंदरलाल बहुगोड़ा जो हो जाते हैं वह संबंधित हो जाते हैं पर्यावरण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, यह देखना है नई दिल्ली, नागपुर, कोलकाता या फिर चंडीगढ़। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, फटाफट कमेंट करके बताना है क्या राइट होगा। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो यह अपना हो जाएगा कहां पर, नागपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है IVRI स्थित है, जो IVRI है वो कहां स्थित है आपको बताना है, करनाल में, इज्जतनगर में, लुधियाना में, दिल्ली में। तो IVRI कहां पर है ये आपको बताना है फटाफट कमेंट करके, जो IVRI है वो कहां पर स्थित है, ये इज्जतनगर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है यहां पर, मानव पर्यावरण पर सबसे प्रथम गोलमेज कहां हुआ था, मानव पर्यावरण पर सर्वप्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, यह आपको बताना है, वह फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिएगा कौन सा राइट होगा, स्टॉकहोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर रियो डी जेनेरो। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहां रखा है मानव पर्यावरण पर सबसे प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम कहां पड़ता है, स्टॉकहोम पड़ता है स्वीडन में। कहां पड़ता है भाई, स्टॉकहोम अपना पड़ जाता है स्वीडन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव पर्यावरण पर सबसे प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है HIV निम्नलिखित संरक्षित रूप है, HIV जो है निम्नलिखित का संरक्षित रूप है किसका है आपको बताना है, उच्च तीव्रता वायरस का, उच्च अंतः वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम मतलब वायरस का, या फिर अपना हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, HIV निम्नलिखित संरचित रूप है किसका, तो ये अपना हो जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में, डेट भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखा है इसमें धाराएं कितनी हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और भाग कितने हैं ये भी बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, 16, 21, 26 या फिर 36, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, 86 26 याद रखना, दो से कट जाएगा 8, ठीक है, तीन से नहीं कटेगा 8, तो इसको मत करिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86 26 याद रहेगा ना, बिल्कुल। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, 26 धाराएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मन्नार की खाड़ी स्थित है प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में, आपको पता है ये अपना हो जाता है भारत। ठीक है भाई, ये बात हो गया, कैसा ही बना है, कोई अच्छी बात है कि मन्नार की खाड़ी स्थित कहां हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी स्थित है यहां पर, मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये हो जाती है मन्नार की खाड़ी यहां पर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कम पड़ती है, ये बनती है बंगाल की खाड़ी, कौन सी पड़ती है, ये बंगाल की खाड़ी से कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसी में पाई जाती है, तो ये कहते हैं बंगाल की खाड़ी में क्या पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है भाई, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरब और दक्षिण में कौन पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और वहीं पर क्या है, यहां पर श्रीलंका के पास में ही पड़ती है मन्नार की खाड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दे रखा है मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर ये सभी।
मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से बीमारियां होती हैं, मलेरिया होती है, बिल्कुल सही, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, तो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है, प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है आपको बताना है, खांसी, कैंसर, बुखार, हैजा। प्रदूषित जल से कौन सी होती है, खांसी होती है, कैंसर होता है, बुखार होता है या फिर हैजा होता है, आंसर भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई अपना हैजा। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रखा है एड्स रोग का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, एड्स रोग का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य, किस देश में पाया जाता है आपको बताना है, भारत में, मध्य अफ्रीका में, चीन में या फिर बांग्लादेश में, राइट आंसर क्या होगा। एड्स रोग का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, वह पाया जाता है अपने भारत में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक साक्षरता पढ़े लिखे लोग कहां पाए जाते हैं, तो वह आपको देखने को मिलते हैं अपने केरल में, और सबसे कम कहां पे है, सबसे कम साक्षरता है बिहार में, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितने अध्याय हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितने अध्याय हैं आपको बताना है, भाग कितने, अध्याय कितने बताइएगा, 3, 1, 2, 4। अगर इसकी बात करते हैं धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं हो जाती हैं 26। यही बात करें कुल अध्याय कितने हैं, तो वो हो जाते हैं 4। कितने, 4 हो जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये कौन सी नदियां बनाती हैं, तो इधर से आती है गंगा, इधर से आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, और गंगा को जमुना क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। जब दो नदियां मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, मेघना। और मेघना नदी जो होती है वो किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। रखा है भारत में जैव विविधता अधिनियम, सॉरी कहां देखा है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कहां स्थित है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा, सुंदरबन, मधुबन, वृंदावन, नंदनवन। तो आपको पता है मेघना किस नदी का निर्माण, किस डेल्टा का निर्माण करती है, तो वह कहती है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखा है भारत में जैव विविधता अधिनियम अस्तित्व में आया, भारत में जैव विविधता अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, 2000, 2001, 2002, 2003, राइट आंसर क्या होगा, भारत में जैव विविधता अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो वह आया था 2001 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से 22 अप्रैल किससे संबंधित है, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, वन महोत्सव दिवस, विज्ञान दिवस। तो निम्नलिखित में से 22 अप्रैल किससे संबंधित है, तो यह अपना हो जाता है पृथ्वी दिवस से संबंधित, किसे, पृथ्वी दिवस से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, कावेरी जल विवाद है किन किन राज्यों के बीच है आपको बताना है, भारत पाकिस्तान के मध्य, पंजाब हरियाणा के मध्य, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मध्य, कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य। तो कावेरी जल विवाद किसके बीच है, किन किन राज्यों के बीच है, तो वह हो जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रखा है राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, मैं आपको बताना है 4 फरवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी, 23 मार्च, राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 12 जनवरी कब मनाते हैं भाई, 12 जनवरी मनाते हैं, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे होते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट, जिस किसी को चाहिए पीडीएफ, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, हमारी साइट www.paperhacker.in, आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इसका, वहां जाके आप आराम से डाउनलोड करके और अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।